हम माता पिता की तरह आपसे बात कर रहे हैं, इस समय हम संत की तरह नहीं बात कर रहे। क्या आपसे गलतियां नहीं हुई जीवन में? विचार करके देखो, जैसे माँ अपने बच्चे से पूछती है ना, वैसे हम कहें होती है ना गलती। आपसे गलती हो गई, प्रकाशित हो गई, आप वृंदावन में बैठे हो, हमें विश्वास दो कि जिस गलती से असंतुष्ट हुए वो गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप जहां बैठे हुए मंदिर से भी बढ़कर है। पूरा वृंदावन भगवान का धाम है। आज हम एक मतलब जैसे माता पिता होते ना, एक बिखरते परिवार को संजोना, तो तुम यहां पर विश्वास करो और इनकी गलती को क्षमा करो। और जिस गलती हम ये नहीं ओपन करवाना चाहते कि आपकी क्या गलती, जिस गलती से इसको अविश्वास हुआ वो गलती दोबारा आप कभी मत करना, ठीक है? पक्का वादा वचन। बस आप इनसे संशय न करना, क्योंकि सबको चांस मिलना चाहिए सुधार का। परिवार विच्छेद होने से अच्छा है कि अगर सुधार होता है। जैसे हम सब अगर एकांत में बैठकर अपना रिजल्ट देखें तो बहुत गलत है। आप ईमानदारी से देखना, हम आपके सामने सही है, आप हमारे सामने सही हो, लेकिन हम अपने सामने दर्पण रख के देखें ना, और आप अपने सामने दर्पण रख के देखें और हम ही को रिजल्ट निकाल लाओ, तो हम शर्मा जाएंगे कि गलती हो गई। आप सबसे कह रहा हूं, हम सब सम्मिलित होकर कह रहे हैं, हम सबसे गलती होती है, भयानक गलती होती है, कसम खाने के बाद भी गलती हो जाती है, पर हमको सुधरने का अंतिम तक चांस मिलना चाहिए। अब वो सुधरना चाहता है, आपका प्रिय मित्र है, आपका अर्धांग है। अगर हमारा हाथ रोगी हो जाए और औषधि के द्वारा ठीक होता हो तो हम कटवाएं नहीं, हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। वो तुम्हारा अर्धांग है। अब आपको चाहिए कि जब हम विश्वास उसको दिलवा रहे तो उसके लिए आपको भी विश्वासघात न करना, नहीं इसकी जो दंड मिलेगा वो तुम झेल नहीं पाओगे। हम कुछ नहीं बोलते, ये कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इस जगह जो शपथ हुई इसका जो परिणाम होगा बहुत भयानक होगा। इस विषय में तो आप गलती करना मत, जिस विषय में उसने आप पर के, ठीक है बच्चा, तुम इस बात पर विश्वास करो, वो भी एक समझदार व्यक्ति है। और फिसलन बहुत बड़ी बुरी चीज है, कोई भी फिसल सकता है, फिसलन ऐसी चीज है। कभी इससे भी गलती हो जाए तो चांस रखना चाहिए। आपसे गलती हो गई तो आज वो क्षमा कर दिए, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों राजीव करूं? हाँ ठीक है। बहुत प्यार से जीवन गुजारो, ए बहुत कीमती जीवन है। कलह में, संशय में, तलाक में, विग्रह में, इसमें कोई कुछ नहीं रखा। अगर यही सुधर जाता है तो ये बहुत अच्छा आपका दोस्त, आपका प्रीतम है, इसी को सुधारो। और आप गलती करना मत। जब हम दूसरे को गलत साबित करें तो उसमें हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, है ना। अब ये कभी आकर के अगर बोले कि तो फिर अच्छा रहेगा, और अच्छे से चलो। और प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, आपके प्यार में भी कोई कमी हुई जिससे फिसलन हुई कैसे, इसको ये बात ध्यान रखना। हम ये कहते हैं, पहली बात तो बहुत समाज के लिए है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है इसका बहुत कई बार हमें लगता है रोज ऐसा होता होगा कि हमारी ये चर्चा आ जाती होगी। ये हम लोगों के जीवन में बहुत ही मिस्टेक है। जैसे जिस लड़की का मन बन चुका है तो 10 पुरुषों से मिल चुकी, 10 बच्चों से मिल चुकी, अब वो अपने पति में कैसे अनुराग करे, क्योंकि उसका मन चंचल हो चुका है। जो लड़का 10 लड़कियों से मिल चुका है वो अपनी पत्नी में कैसे रुक जाए, क्योंकि उसका स्वभाव बन चुका है। प्रायः बच्चों में गलती होती रही है, होती रही है, बच्चा और बच्चियों में गलती। अब पाणि ग्रहण हुआ है, अब इस गलती का एंड होना चाहिए। अगर इन नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश इसी में शुरू हो जाए। अभी तलाक दे दे आपको, फिर दूसरी आएगी, वो तुम्हारा गला घोटेगी। बात समझ, गला घोटेगा मतलब है तुम्हारे ऊपर जो शासन और जो, तो फिर इसी को संभालो, अब वो गलती ना करो। यही हम समझाने के लिए कि हर गृहस्थी आज छिन्न भिन्न हो रही है। ये तो बहुत सुलझा हुआ परिवार है जो कम से कम संत समाज में आके अपनी समस्या रख रहा है,
नहीं तो ये तांडव शुरू किया। अच्छा तू जा तो जो कल मन जो मेरे मन में आ रहा मैं कर रही हूँ, फिर अब क्या पति पत्नी में रहेगा, ये घर में रह रहे हैं, वो दक्षिण वो उत्तर, अरे फायदा क्या रहा। तो गुरु जी हम यूएस से है और मेरी गलती जब हुई तो मैंने पहली बार को यही बोला था कि मैं तेरे को गुरु जी के साथ ही ले जाऊंगा, जो वो बोलेंगे वो मैं करूंगा। नहीं बिल्कुल, और आप जो बोलोगे मैं वही। नहीं बच्चा मैं यही चाहूंगा कि तुम दोनों प्यार से रहो और आजीवन एक ही संग रहो, खूब खुशी रहो और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो। कभी ऐसा अब ना आवे कि तुम दोनों के मन में मुटाव हो। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है बच्चा, उसे प्यार दो। देखो शरीर कितने भी तुम देख लो सब वही है बच्चा। प्यार में जो सुख है वो शरीरों में सुख नहीं है, चमड़ों में सुख नहीं है। तुमसे कोई अगर छल कपट करेगा ना तो वासना करेगा, और ये पत्नी है ये तुम्हारे को प्यार करेगी, ये तुम्हारे बचाव पक्ष में रहेगी, ये तुम्हारे सुख पक्ष में रहेगी। सामने वाला केवल शोषण करने के लिए तुम्हें प्यार करेगा, बचाव पक्ष का नहीं। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें ये अब यही हम समझाने के लिए रोज सत्संग में एकांतिक में कहते हैं कि नए बच्चों ये जो तुम आचरण कर रहे हो बहुत हानिकारक है, आगे चलकर तुमको विक्षेप में डाल देगा, क्योंकि स्वभाव हो चुका है। जैसे हमारा कई होटलों के पाने का स्वभाव हो ना अलग अलग, तो फिर घर की रसोई की सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही हमारा जब कई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना, तो फिर घर के पति में केवल तृप्ति नहीं होती है, पत्नी में तृप्ति खुली बात है। वो मनमानी व्यभिचार आचरणों में ये क्या गृहस्थी है यार, क्या गृहस्थी है, क्या एक परिवार है, क्या इसका जुड़ाव है। अरे अगर हम एक घर में सुखी रहते हैं तो पति पत्नी प्यार से रहते हैं, बच्चों से प्यार, माता पिता से प्यार, पत्नी से प्यार, तो पूरा एक समुदाय जो है ना नमक रोटी भी बैठ के खाएगा तो सुख पूर्वक रहेगा। वो उधर वो ऐसा नहीं, अब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमसे जो गलती हुई ना हजारों बार गलती होती बच्चों से।